अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया रोहित शर्मा भाई। भैया क्या लुकिंग है तुम्हारी, हम तो ये कहते हैं लाल लाल कुर्ती पे गोरा सा बदन और मुंबई को छोड़ दो बांध के कफन। भाई जीवन तुम्हारा है, ढंग से जियो, खाना भी खाओ और पानी भी पियो, मतलब पैसा भी कमाओ और मौज भी करो। भाई ये क्या मुंबई में कोई मौज बोझ ना है, हम तो ये कहते भैया बताओ मुंबई वालों ने गलत किया है तुम्हारे साथ। भाई बिल्कुल कप्तानी से हटाया, उसके बाद क्या क्या करवा दिया भैया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, पांडू रंगा को कप्तान बना दिया, तब ये मुंबई इंडियंस आईपीएल में खेली। पे हम तो ये कह रहे भाई छोड़ दो, ऐसी टीमों में घिसने से कोई फायदा ना है। पे खेलो वहाँ पर जहाँ माने जाए तुम्हारे एहसान, और तुम हो बड़े खिलाड़ी ये जानता है पूरा हिंदुस्तान। अबे धोनी भैया कैसी लप्पू झन्ना बातें कर रहे हो, भैया काई को बहका बहका के ले जा रहे हो हमारे कप्तान साहब को। हम तो इन्हीं को कप्तान मानते हैं, हम तो ये कहते भैया भूखे को भोजन मिले, प्यासे को मिल जाए नीर, और अपना जब घर छोड़ के भागे तो हो ही मूड में पी। ए शर्मा जी, अः भैया मुंबई इंडियंस को छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या हाल होगा, हम तो भैया एकदम लुल हो जाएगी कहानी। भाई तुम्हारे बिना हम खेल ना पाएंगे कतई, हम तो ये कहते भैया आ जाओ मुंबई में, बस कुछ भी हो तुम मुंबई में ही रहो भैया, कहीं जाने की जरूरत ना है, वरना तुम्हारा यो सूर्य एकदम अधूर्य हो जाएगा। अबे सूर्य, अबे भैया कैसा खिलाड़ी होती तुम, शर्मा तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम हल्का खिलाड़ी होती। भाई हमको देखो, हमको नाम है हमारा डुप्लेसी फाप, और हमारे देखकर खेल अच्छे अच्छे गेंदबाज जाती कांप। भाई बहुत तगड़ा होती हम खिलाड़ी, और गया नहीं हूँ कभी भी आनी बानी, आरसीबी से खेलती और सब टीमों को पेलती, ये होती हमारा जलवा जलाल, समझे। अबे अफ्रीकी दूध की छटी हुई मलाई, पे ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है। पे भैया पांड्या को तुम हल्के में लेते हो, पे बैंड बजा देंगे तुम्हारा, समझे। नाम है हमारा हार्दिक पांड्या, रोहित भाई नहीं खेलेंगे तब भी हम करेंगे बहुत तगड़ा कांड्या, समझे। आईपीएल इस बार हम जीतेंगे जीतेंगे 100% तुमको लिख के देते भैया, इस बार आईपीएल हमारा है, समझे। अबे पांड्या, अबे भैया हम तो ये कहते हैं अभी गर्मी है, तुम क्यों समझते हो कि ठंडी है, और तुम्हारी बात बता रही है कि तुम अपने दिमाग से बहुत बड़े घमंडी है। भैया यो घमंड ज्यादा दिन न चलेगा, हम तो ये कह रहे भैया रही बात आईपीएल जीतने की, तो भैया आईपीएल में नहीं है किसी को जीतने का दम, क्योंकि चेन्नई वाले सबके आगे आते हैं हम। हम बहुत तगड़ा खेल के जाएंगे और इस बार की ट्रॉफी हम फिर से उठाएंगे, समझे। अबे रोहित भाई जा रहे हैं, इस चक्कर में तुम लोग बैंड बजा रहे हैं, वरना तुम्हारी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती, समझे। हम तो ये कहते रोहित भाई भैया यो बड़ा गलत हो रहा है, हम जानते हैं तुम्हारे साथ गलत किया है अंबानी चचा ने, लेकिन हमको नहीं लगता अच्छा, भले ही फट जाए अंबानी चचा का कच्चा। भैया तुम चले जाओगे तो हम तो बिल्कुल लोल खेल खेलेंगे, जानबूझ के हरवाएंगे मुंबई को। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया गुमरा, अब तुम नहीं रहे पहले वाले बुमरा। रोहित शर्मा के दम से तुम्हारा दम है, और हमको सब पता चल चुका है रोहित शर्मा के लिए ही मुंबई टीम में दम है। भैया रोहित शर्मा ना खेलेंगे तो पांडू रंगा, भैया तुम तो गलत ही ले रहे हो पंगा, कहानी हो जाएगी लुल और खत्म हो जाएगी तुम्हारी आईपीएल जीतने की चुल, समझे। अरे वाते शिवम दुबे, तुम्हारी बड़ी निराली है, और इस बार भी आईपीएल अपनी चेन्नई जीतने वाली है, रोहित शर्मा आ गए हैं हमारे साथ, अब तो और भी बनेगी हम लोगों की तगड़ी वाली बात, जलवा जलाल कर देंगे भैया। रोहित भाई बस तुम आ जाओ, हम कप्तानी छोड़ेंगे और तुम करो चेन्नई की कप्तानी, और भैया धोनी भाई तुम्हारे साथ हैं तो कोई टीम नहीं कर सकती मनमानी। अबे चेन्नई वालों, यार भैया तुम कैसी लप्पू झन्ना बातें कर रहे हो, भैया कभी तो औरों के बारे में सोचा करो, सारी ट्रॉफियां तुम ही जीत जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे। हम तो ये कहते भाई हमेशा ऐसा थोड़ी है, कोई तगड़ा खिलाड़ी आएगा तुम ही ले लोगे। भाई ये बिल्कुल गलत बात है धोनी भाई, देख लो अपने हिसाब से, देख रहे हो कोहली भाई, भैया समझा दो इनको बड़ी रहेगा। अबे मैक्सवेल, यार भाई देखो ऐसा है तुम बाहर के हो, तुमको ज्यादा समझदारी ना है, हम तो ये कहते हैं इन छोटी छोटी बातों में समझाना कैसा है, और रोहित शर्मा को वही खरीद पाएगा जिसके पास ज्यादा पैसा है। आगे हम तो ये कहते हैं हमारे पास ज्यादा पैसा होएगा तो हम ले लेंगे, वरना मुंबई के पास ज्यादा होएगा तो मुंबई वाले ले लेंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं रोहित शर्मा भैया मुंबई में अब ना खेलना कतई, इनको दिखा दो भैया इनकी क्या है औकात, क्या है इनकी पावर। अबे विराट कोहली, यार भाई देखो ऐसा है, आज हम भी करते हैं खुल्लम खुल्ला ये वादा, इस बारी हमने भी बना लिया है मुंबई छोड़ने का इरादा, मुंबई को छोड़कर हम
हम अपने दम से बहुत तगड़ा दूसरी टीमों से खेल दिखाएंगे और जब भी मैच मुंबई से होगा एक तरफा मुंबई वालों की रेल बनाएंगे। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया रोहित शर्मा। ए भैया तुम हो बड़े खिलाड़ी, बल्ले से करो कमाल, इस बार ऑक्शन में आना हो जाओगे माला माल। हाँ भाई दोस्तों, ए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना रोहित शर्मा आईपीएल के ऑक्शन में कितने रुपए तक के बिक सकते हैं।